नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएल करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम डेली करंट अफेयर्स लेकर आते हैं। और आज हम आपको बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के प्रश्न बताने वाले हैं, तो आप हमसे जुड़िए। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ इसको लाइक और शेयर अवश्य करिए। और अधिक से अधिक, जितना ज्यादा आप लोग इस पर अधिक से अधिक प्यार देंगे, उतना ही अच्छा और बेहतरीन करंट अफेयर्स हम लेकर आएंगे। तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, इसको शेयर अवश्य करिए। आप लोगों से पर्सनली हम कह रहे हैं, तो आज हम देखिए इसमें करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि सीएल करियर एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है, उस पर सभी प्रकार के, जो सभी टीचरों के द्वारा हमारी पूरी टीम उस पर लगी हुई है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी, हरियाणा जीके, जीके सब पढ़ाया जा रहा है। आप उसको जरूर विजिट करिए। और सीएल करियर एकेडमी का ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन है उस पर, बिल्कुल सबसे कम से कम दामों में 1 साल तक आप सारे कोर्स ले सकते हैं और उसका पढ़ाई कर सकते हैं। आप उसको डाउनलोड करिए, उस पर कुछ वीडियोस जो है डेमो के रूप में है, उसको देखिए। तो चलिए हम आज के करंट अफेयर को शुरू करते हैं। और आपके सामने पहला प्रश्न होगा जो स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए हमारे स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, देखिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका होगा हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। डी इज द राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको लगातार डेली बेसिस पर देखेंगे, आपको अन्य कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका परीक्षाओं के लगभग प्रश्न यहां से ठीक हो जाएंगे। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है इसका। देखिए हम हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो भी होगा इस तरीके से फैक्ट हम बताएंगे आपको। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन 1971 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन, पूर्ण राज्य कब बन गया? ये 1971 में, 1971 के पहले ये केंद्रशासित प्रदेश था। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में ही है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरीके से चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। आज के सेशन का, करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाला है। इसको लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, फिनटेक फर्म किनारा कैपिटल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? फिनटेक फर्म है एक, क्या नाम है? किनारा कैपिटल। इसने अपने ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है रविंद्र जडेजा को। रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए हम अगला देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कुछ अन्य ब्रांड एम्बेसडर के बारे में भी देखते हैं जो बहुत परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते रहते हैं ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में। एक है स्पोर्ट्स अड्डा, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ब्रेटली। ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक फॉसिल, एक कंपनी है फॉसिल और वंडर सेफ, फॉसिल और वंडर सेफ, इसको कृति सेनन को बनाया गया है इनका ब्रांड एम्बेसडर। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। नीरज चोपड़ा जो अभी भारत की तरफ से एथलेटिक्स में पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले, ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने, तो नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। फिनो पेमेंट बैंक का जो बनाया गया है पंकज त्रिपाठी को, फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। क्वाइन DCX को का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। रियलमी जो मोबाइल है, मोबाइल फोन वाली कंपनी है रियलमी, KL राहुल को, उसका KL राहुल जो क्रिकेटर है उनको बनाया गया है इसका ब्रांड एम्बेसडर। तो ये ब्रांड एम्बेसडर को आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आज के सेशन का हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या बना है? हमारा अगला प्रश्न है, अभी हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव कहां मनाया गया है? तो हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव कहां मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल एक चिड़िया है, बहुत ही कलरफुल होती है, और उसी को यहां पे ध्यान में रखकर नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। चलिए नागालैंड के बारे में जानते हैं।
नागालैंड, राजधानी कहां है नागालैंड की? कोहिमा। मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। जगदीश मुखी नागालैंड के राज्यपाल बनाए गए हैं। नागालैंड राज्य की सीमा किससे मिलती है? असम से मिलती है, अरुणाचल प्रदेश से और मणिपुर से लगती है। भारत के तीन राज्य हैं जो नागालैंड से अपनी सीमा बनाते हैं। एक और देखिएगा, पक्के पागा हर्नबिल महोत्सव किस राज्य का राजकीय महोत्सव है? तो अरुणाचल प्रदेश। पक्के पागा हर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का राजकीय महोत्सव है, लेकिन यह हर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में मनाई जाती है। चलिए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा करंट अफेयर्स क्या बना है, देखिए। हाल ही में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, अखिल भारतीय ऑल इंडिया लेवल पर मराठी साहित्य सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है सी, नासिक में। इसका उत्तर हो जाएगा सी, नासिक। नासिक में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन जो है हुआ है नासिक। चलिए देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में, थोड़ा यहां पर देखते हैं कि महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री यहां के उद्धव ठाकरे हैं, शिवसेना, शिवसेना के प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री। यहां राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। यहां पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, देखते हैं। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र में है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, देखिए नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान भी कहां है? महाराष्ट्र में है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। चंदौली, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान सब कहां है? महाराष्ट्र में है। चलिए तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएमएफ ने किसे अपना पहला निदेशक नियुक्त किया है? हाल ही में आईएमएफ ने किसे अपना पहला निदेशक नियुक्त किया है? हाल ही में आईएमएफ ने किसे अपना पहला निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन है मनोज कुमार माधव, नरोत्तम सखरिया, गीता गोपीनाथ या सौम्या स्वामीनाथन। किसको नियुक्त किया गया है? तो आईएमएफ ने गीता गोपीनाथ को अपना पहला निदेशक नियुक्त किया है, प्रबंध निदेशक, प्रबंध निदेशक। इसको बोलते हैं प्रबंध उपनिदेशक कहेंगे, यहां पे प्रबंध उपनिदेशक, ये निदेशक प्रबंध उपनिदेशक गीता गोपीनाथ को चुना गया है। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और गीता गोपीनाथ वर्तमान में आईएमएफ की प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। और इनको क्या आईएमएफ ने क्या कर दिया, ये पहला अपना प्रबंध उपनिदेशक नियुक्त किया है, पहला प्रबंध उपनिदेशक इनको नियुक्त किया है, आप ये ध्यान रखेंगे, पहला प्रबंध उपनिदेशक नियुक्त किया है। चलिए तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम, आईएमएफ के बारे में जानते हैं और जानेंगे आईएमएफ के बारे में। गीता गोपीनाथ आईएमएफ की प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, ये भी याद रखिएगा। आईएमएफ का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। स्थापना आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुई थी, मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। इसके प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, और आईएमएफ के सदस्य देशों की संख्या 189 है। आईएमएफ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 189। तो ये बात फैक्ट ध्यान रखेंगे, आईएमएफ के बारे में बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमारा आज के करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बना है, देखिए। हाल ही में रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोपवे सेवा शुरू करने वाला, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, उत्तर हो जाएगा ए, वाराणसी। वाराणसी में शुरू किया गया है। चलिए इसका हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन, देखते हैं वाराणसी के बारे में जानते हैं। वाराणसी जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है शहर है, भारत का सांस्कृतिक राजधानी भी है। वाराणसी उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक शहर है, और यह भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है वाराणसी को।
नरेंद्र मोदी का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? वो वाराणसी है, वाराणसी से ही चुने गए हैं लोकसभा में। चलिए हमारे आज के सेशन का अगला प्रश्न देखिए क्या बना है। एक से एक प्रश्न आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लिखते रहिएगा और जरूर पढ़ते रहिएगा। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कौन सा मोबाइल ऐप आप ध्यान रखेंगे? कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है, इसका जो उत्तर होगा वो होगा कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका उत्तर हो जाएगा नागालैंड ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नागालैंड ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, इसका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन नागालैंड के बारे में। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यहां के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है और राज्यपाल जगदीश मुखी है, तो आप याद रखेंगे बात। चलिए हम अगले प्रश्न पर आते हैं। आज के सेशन का हमारा अगला प्रश्न देखिए, किस देश की फिल्म निर्देशक काओसे यूनेस्को की किस देश की फिल्म निर्देशक नाओमी कवासे फिल्म निर्देशक नाओमी यहां पर टाइपिंग में छूट गया है, नाओमी कवासे यूनेस्को की गुडविल अंबेसडर बनी है। किस देश की फिल्म निर्देशक नाओमी कवासे यूनेस्को की गुडविल अंबेसडर बनी है? तो ये कहां की है? यह है दक्षिण कोरिया इज द राइट आंसर। जापान ये इसका उत्तर हो जाएगा जापान की नाओमी कासा से यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनी है, वो है जापान की। जापान इज द राइट आंसर। चलिए अगला हम यूनेस्को के बारे में देखते हैं। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है, आप लोग याद रखिएगा। स्थापना हुआ था यूनेस्को का 4 नवंबर 1946, ये ईयर जरूर याद रखेंगे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जो फ्रांस में है, और इसके निदेशक है आंड्रे अजोले, और इसके सदस्य देशों की संख्या 195 है। यूनेस्को में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 195, इस बात को याद रखेंगे। यूनेस्को से बहुत ज्यादा पूछा जाता रहता है। अगर हम जापान के बारे में देखें तो जापान पूर्वी एशिया के देश है, उसका राजधानी कहां है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 जापान में ही हुआ, कोरोना के कारण उसका आयोजन 2021 में किया गया था। तो ध्यान रखेंगे जापान पूर्वी एशिया का देश है, राजधानी टोक्यो है, और अभी हाल ही में ओलंपिक गेम जापान में हुए हैं। चलिए आज के सेशन का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला अहर्बल महोत्सव कहां मनाया गया है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, इसका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। बी जम्मू कश्मीर, इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। चलिए हम इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अहर्बल पर्यटन महोत्सव मनाया जा रहा है, यह जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिला में आयोजित किया गया था। अहर्बल जम्मू कश्मीर में एक जलप्रपात है। अहर्बल क्या है? जम्मू कश्मीर में एक जलप्रपात है। जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील भी कहां है? जम्मू कश्मीर में है, यह बात याद रखेंगे। अभी 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्रशासित प्रदेशों में बांटा गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए हमारे आज के सेशन का अगला प्रश्न जो है, और आज का लास्ट प्रश्न,
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके परीक्षाओं में 100% आएगा, हम यहां पर लिख दे रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा में अवश्य आएगा। 2025 तक किस देश को दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलेगा? तैरता हुआ शहर कौन बना रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया इज द राइट आंसर, दक्षिण कोरिया इसका उत्तर होगा। और वह दक्षिण कोरिया तैरता हुआ शहर बना रहा है, क्यों बना रहा है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्या कारण है कि यह बनाया जा रहा है। तो इसका देखिए एक्सप्लेनेशन है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और बाढ़ की समस्या बढ़ रही है। तो इसके कारण, इस समस्या के कारण ही दक्षिण कोरिया ने तैरता हुआ शहर बनाने का निर्णय लिया है। इसलिए निर्णय लिया गया है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल स्तर बढ़ रहा है। दक्षिण कोरिया के बारे में जानिए, पूर्वी एशिया का देश है, दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया का देश है, इसकी राजधानी है सियोल, इसके राष्ट्रपति है मून जे इन। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? मून जे इन, और इसकी राजधानी सियोल है। और यहां की जो मुद्रा है वो है साउथ कोरियन वॉन, यहां की मुद्रा कौन सी है? साउथ कोरियन वॉन यहां की मुद्रा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक और सबसे बढ़िया, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला, 38 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है इसको बोलते हैं 38 डिग्री पैरेलल। 38 डिग्री की अक्षांश रेखा साउथ कोरिया और उत्तर कोरिया की सीमा, उत्तर कोरिया की सीमा रेखा बनाता है, इन दोनों के बीच से गुजरता है। तो चलिए आज के सेशन के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, कल फिर मिलेंगे हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो आपको परीक्षा के लिए होगा। हम एक बार और आपसे कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको शेयर जरूर करिए, और हमारे सभी वीडियो यूट्यूब पर आप जरूर देखिए, डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स है। चलिए मिलते हैं कल फिर नए क्वेश्चनों के साथ, नए ताजगी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आगे बढ़ते रहिए और साथ ही साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं कल।